Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंब्रा का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की एक तरफ जहां जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के नासिक शहर में ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने की खबर सामने आई है। इस घटना में 22 मरीजों की वेंटिलेटर पर ही मौत हो गई है। ये घटना नासिक शहर के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में घटी है, जहां अचानक ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने की वजह से पूरे अस्पताल परिसर में धुआं ही धुआं हो गया। मौके पर अधिकारियों की देखरेख और दुरुस्तीकरण का काम शुरू किया गया है। नासिक की फायर ब्रिगेड की टीम भी घटना स्थल पर मौजूद है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसकी वजह से आए दिन मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। राज्य सरकार ने भी केंद्र से अनुरोध किया है कि हवाई मार्ग के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई राज्य में करवाई जाए, ताकि मरीजों को सही समय पर ऑक्सीजन मुहैया हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। मगर वही नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल की इस घटना में 22 मरीजों की मौत हो गई है। नासिक की इस घटना पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते इन मरीजों की मौत हुई है। ये सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।